क्यों आया बे? उससे मैंने कहा था ना कि अगर आसपास कहीं तू दिखाई दिया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, फिर भी तू आया क्यों? अरे भैया गजब बे, भैया हम आपको ब्लैकमेल करने आए हैं। व्हाट? हाँ भैया, देखिए भैया, आप मेरा इस्तेमाल करके मेरा फायदा उठा के भौजी पे जैसे अपना इंप्रेशन झाड़े हैं ना, हम भी सोचे कि भाई हम भी तो आपको ब्लैकमेल कर ही सकते हैं। अबे तेरी औकात नहीं है बे कि तू हम जैसे स्मार्ट आदमी को ब्लैकमेल करे बे। आई एम टू स्मार्ट फॉर यू। भैया करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, 100% करेंगे। चल निकल निकल निकल। अरे भैया, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, कब आए आप? हाय दिया, किससे बतिया रहे हैं? अरे भाभी जी, हम हैं चैतराम भिखारी। हाय दिया, भिखारी भैया, आपका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। क्या बात है भरभूति जी, अच्छे सिंधा? बस भाभी जी, बहुत मजे में है, भैया जी की कृपा है, बस यही हमको बुला लेते हैं बार बार कि छोटे कहाँ हो, आ जाओ, आ जाओ प्यार से। आओ तो हम देख रहे हैं, सच अपना तो दिल भरा आता है। और वैसे भी भरभूति जी बहुत अच्छे इंसान है, सच्ची वो बहुत डाउन टू अर्थ है। भाभी जी, वो डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। चलिए आप दोनों अच्छे से अपना ये प्रेम भाईचारा बनाए रखिए, हम सब्जी फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो सूख जाएगा। चलिए बाय बाय। हाँ बाय बाय भाभी जी। निकल निकल निकल। भूति जी। यस भाभी जी। कचनाई, हमको बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। ये भैया गजबे कर रहे हैं, हम यहाँ रहने थोड़े ना आए हैं। भैया बस एक इच्छा है, उसको पूरा कर दीजिए तो हम चले जाएंगे। कौन सी इच्छा है तेरी? ये जो सामने वाली भाभी जी है ना, बस हम उनके साथ ना। उनके साथ क्या बे? भैया बस एक बार हम उनके साथ। उनके साथ क्या बे? भैया हम एक बार उनके साथ खाना खाना चाहते हैं, उनके प्यारे प्यारे हाथों से। दो कौड़ी की तेरी शक्ल देखी तूने अपनी? भाभी जी के हाथ से खाना खाने की तेरी औकात नहीं है बे? अरे भैया गजब कर रहे हैं, अरे वो तो हम जान रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है, लेकिन हमारी औकात जो है ना आप बनाएंगे। आप भाभी जी को बोलेंगे कि वो हमारी इच्छा पूरी करें। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सिंपल, भाभी जी के पास जाएंगे, उनको और उनके पतिदेव को आपकी सारी कहानी बता देंगे, बस। खाना खाएगा? नहीं भैया, बाद में खाएंगे, अब तो भाभी जी के हाथ से ही खाएंगे भैया।